हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया, प्रिया बिथखाना में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह मैं लाई हूं आपके लिए कुछ खास। तो आज हम गर्मियों के लिए आम का पन्ना बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो गर्मियों में लू वगैरह ना लग जाए किसी को, तो इसको ज़रूर प्रिया ज़रूर ट्राई करें बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आम को छील लिया है, कच्चे आम को। और अब हम एक लेंगे जार। पर मैंने लिया है एक जार, इसमें हम आम को इस तरीके से काट के डालेंगे, तरीके से काट लेंगे सभी को। अब तो गुठली वगैरह भी पड़ने लग गई हैं। इस तरीके से पल्प को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पुदीना पत्ती। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आम के हिसाब से ही डालें। अगर चार से पांच लिए हैं तो इतनी पत्तियाँ काफ़ी हैं। और अब हम डालेंगे इसमें ये वाली छोटी कटोरी, आधी कटोरी हम डालेंगे चीनी। बहुत ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा लगे तो आप इसको थोड़ा कम भी कर दें। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी बचा ली है। और अब हम इसमें पिसा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। जीरे को मैंने पहले भून लिया था और फिर हमने इसको पीस लिया, तो जीरा की क्वांटिटी थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, आधा चम्मच ही डालें, क्योंकि थोड़ा सा सादा नमक भी डालेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला है। हम 1 चम्मच तक काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसको भी मैंने पीस लिया है। और अब हम इसको पीस लेंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच से भी कम डालेंगे सादा नमक। बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल महीन पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लिया है। और इसको आप स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा पीस लें, ये ख़राब नहीं होगी। अगर फ्रिज में रख देंगे, बाहर रखेंगे तो हो सकता है ख़राब हो जाए गर्मियों के दिनों में। तो इसको ज़्यादा बना लें, लू वगैरह लगती है, जैसे किसी को पेट वेट में दिक्कत हो तो इसको आप पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, स्वास्थ्य वगैरह भी गर्मियों में ठीक हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं धूप वगैरह में, उन लोगों को खासकर बहुत ही अच्छा रहता है आम पन्ना पीना। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 ग्लास। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीना पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 या 1-2 ही डालें। और अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब डालेंगे, इसमें भी डाल देंगे। और अब जो हमने पेस्ट बनाया है इसको डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें, 1 से 1.5 चम्मच ही डालें। चीनी वगैरह सब हमने ऐड कर दी है। तो इसमें हमने 1-1 चम्मच डाल दिया है, आधा आधा चम्मच और हम डाल देंगे। इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो मेरा थोड़ा पल्प ज़्यादा ही बना हुआ है, इसको हम फ्रिज में लगा देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। इसको हम चला लेंगे, बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा, हम पानी और बढ़ाएंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छा आम पना बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको एक बार। तो अब हम इनको थोड़ा सा चम्मच से इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि जो आम का हमने पेस्ट डाला है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसको इस तरीके से चला लेंगे तो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा।
बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, अपने टाइम पानी का ज़्यादा लग रहा था कलर। तो यहाँ पर हमारा अम्पना बनके तैयार है। बहुत इजी तरीका बताया है मैंने आपको, कोई भी ज़्यादा मैंने अदरक भी नहीं डाली है, हरी मिर्ची भी नहीं डाली है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पना बनाया है। इस तरीके से बनाएंगे, चटपटा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, हर तरीके से है, नमकीन भी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। हम चाहते तो अदरक वगैरह भी यूज करके थोड़ा सा और अच्छे हम बना सकते थे, लेकिन हमने बहुत ही ईजी तरीका बताया है। आप इसको ट्राई करें तो आप ज़रूर ऐसे ही बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।